नमस्कार, राम राम सभी किसान साथियों। आप जुड़े हैं आप लोग मेरता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर, और आपके साथ मैं आपका साथी मोहन मेरिया। आज तारीख है 14 मई 2024। तो हमेशा की बात थी, दोपहर के बुलेटिन में बताएंगे जीरा और सौंप की बोली लाइव, और इसके साथ ही बताएंगे कि जीरे की आज आमदनी क्या है, जीरे में कितनी तेजी है, सौंप के भाव में क्या अपडेट है। तमाम जानकारी के लिए चाहूंगा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। हम क्वालिटी के साथ फसलों के भाव भी बताते हैं कि इस क्वालिटी के ये भाव लगे हैं, इसलिए आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको आइडिया लग जाएगा किस क्वालिटी के क्या भाव लगे हैं। सबसे पहले आप सुनिए बोली, उसके बाद आपको बताएंगे किस प्रकार से आज औसतन भाव रहे, क्या आवक रही है। सबसे पहले आप बोली सुनिए। 28,700
8,000 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 8,
9,800 तीन बज कर तो पड़ी यार दस हजार चार सौ10,300 6,000 8,500 इस सौ की गोली चलती है 10,500 10,750 11,000 11,300 तो अभी आप सुन रहे थे मेड़ता कृषि उपज मंडी से जीरा और सौंफ की बोली लाइव। आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा आज जीरा और सौंफ के औसतन क्या भाव रहे हैं, किस क्वालिटी के क्या भाव रहे हैं। आपको बता दें सबसे पहले जीरे की आमदनी की आवक आज जीरे की है वो 3,500 से 4,000 बोरी की आवक आज मंडी में देखने मिली। और जीरे के भाव में जिस प्रकार की एनसीडेक्स की तेजी की बात करें तो 1,000 रुपये डब्बा तेज नजर आए, लेकिन थोड़ी सी गिराई की आज कमजोर होने की वजह से कल के जितने भावों में उछाल आज दोपहर तक की बोली में देखने को नहीं मिला है। जीरे के औसत भावों की अगर बात कर लेते हैं जीरा आज 24-25 हज़ार से लेके 29-30 हज़ार तक के भाव आज अभी औसतन देखने को मिले हैं। और बात कर लेते हैं सौंफ की, सौंफ की आवक की बात कर लेते हैं, सौंफ आवक है 12 से 13 हज़ार बोरी की और आमदनी की
ये तो रही आमदनी और भावों की बात कर लेते हैं, तो आज सौंप के जो सामान्य सौंप है 6,000 से लेके 10-10.5 हज़ार तक के हैं। और बात कर लेते हैं ग्रेडिंग सौंप, जो क्लीन दाना होता है, हरा दाना होता है, जो साफ़ सुथरा माल होता है, उसके भावों की बात कर लेते हैं तो ऊपर में 18-19 हज़ार भी बिकी है, लेकिन औसतन जो भाव है 11,000 से लेके 14-15 हज़ार तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। एक बार पुनः आपके साथ जुड़ेंगे, जब तक जय जवान जय किसान।